अच्छा, ये टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम फिनलैंड ने स्टार्ट किया है अपना, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें सिर्फ एक जो मसला है वो है कि फिनिश लैंग्वेज का, वो भी इतना मसला नहीं है। आप बेसिक लैंग्वेज का कोर्स करके भी जा सकते हैं और नील पे भी जा सकते हैं इंग्लिश पे, लेकिन उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल ये है कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दूँ, ये इनकी वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अच्छा, इसकी वेबसाइट पे आप जाने के बाद, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसमें टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम की काफ़ी डिटेल दी हुई है। अच्छा, इसमें वही है, लेबर शॉर्टेज का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, तो इसके लिए मैं आपको इनकी जो डिमांड है वहाँ पे जॉब्स की, इसके बारे में बता दूँ। तकरीबन हर किस्म की जॉब वहाँ पे आपको अवेलेबल है। अच्छा, ये कुछ कंट्रीज़ के बारे में के वो आप इस वीडियो में देख लेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि फिनलैंड है कैसी कंट्री। अच्छा, इसमें फिनलैंड के वीज़ा है, जॉब सीकर वीज़ा, ईयू ब्लू कार्ड वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, रेसिडेंस है, अब काफ़ी सारे हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हम सिर्फ इसमें टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम जो इन्होंने 2023 में ही स्टार्ट किया, IT एंड सॉफ्टवेयर की बहुत सबसे ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, ये डिप्लोमा लेवल भी हो सकता है, इंजीनियरिंग भी हो सकती है। इंजीनियरिंग है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स, हॉस्पिटैलिटी, ये तो तकरीबन हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी तकरीबन यूरोप की हर कंट्रीज जिसने ये किया हुआ है, किसी भी कंट्रीज़ में हो सकता है। हर जगह जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, हर कंट्री को इसकी रिक्वायरमेंट है, टीचर्स की भी, नर्सिंग स्टाफ। अच्छा, इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई का प्रोसीजर दिया हुआ है, एक जॉब आपने तलाश करनी है। अच्छा, इसके बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, और ये सारा प्रोसेस जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये मिनिमम 2 मंथ्स का, 2 मंथ्स में इंशाल्लाह, इससे पहले भी हो सकता है। अच्छा, वर्क परमिट ये सारी चीज़ें जो हैं ये वहाँ जाने के बाद की हैं, और इस पर आपको मैं बताऊँ, एक जॉब के बारे में मैं बताऊँ, ये इनकी जॉब्स इन फिनलैंड इनकी वेबसाइट ऊपर दी हुई है। अच्छा, इसमें से आप किसी भी जॉब पे सर्च करें, ये डेवऑप इंजीनियरिंग की जॉब है। अच्छा, इस पर एग्री एंड कंटिन्यू किया, सीनियर डेवऑप इंजीनियर क्रिटिकल फोर्स वाई एकेडमिक फॉर काउंसलिंग। जॉब डिस्क्रिप्शन इसमें दी हुई है, ये काफ़ी डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें बेस्ट तरीका ये है कि डेवऑप, आपको पता है ये पाकिस्तान में बहुत कम लोग ही करते हैं और कोई इदारा नहीं है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डेवऑप इंजीनियरिंग के कुछ कोर्स वगैरह करके यहाँ से आप फिर अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये टेक्निकली ही अप्लाई करने का जो तरीका होता है कहीं पर भी, वो थोड़ा सा क्रिएटिवली थिंकिंग के बाद ही होता है कि अगर वहाँ की कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, आप इस साइट पर जाके 8-10 जॉब खोलें, उस पर देखेंगे कौन सी चीज़ जो मतलब कॉमन है, जो चीज़ मिसाल के तौर पर हम देखते हैं हेल्थ केयर के ऊपर, नर्सिंग की जॉब बहुत आती हैं, तो आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हर चीज़ हो सकती है, तो आप यहाँ पे आप नर्सिंग का डिप्लोमा कर लें कहीं से भी, आप वो 3 महीने का कोर्स करें, साल का सर्टिफिकेट बनवाएँ और अप्लाई करें, ये तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। और इसके बाद जितनी अभी अपॉर्चुनिटी है 2023 में, मेरा नहीं ख्याल कि इन फ्यूचर में आएगी, और ये सारे 1 साल के प्रोग्राम हैं, 1 साल के बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग यहाँ से जा रहे हैं, और ये चीज़ तो आपको भी पता है। तो ये बहुत ही समराइज में मैंने आपको बता दिया है, और वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो उसमें तमाम लिंक्स मौजूद है, तो आप उसमें भी लिंक्स नोट डाउन करके अलग अलग खोल के उस डिटेल को देख सकते हैं। तो वीडियोज़ को आखिर तक देखें, काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई गई है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।